बाबूसा, अगर आपकी इजाजत है तो पगफेरे की रस्म के लिए संध्या को मायके लेके जाओ। पगफेरे के लिए कैसे जा सकते हैं? हमारे खानदान के परंपरा के मुताबिक नई बीनी घर में आवे हैं तो सबसे पहले कुलदेवी के यहां जानो होवे। कुलदेवी के दर्शन के बाद पगफेरा करवा लेना। क्या करे संध्या, रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ना। चलती हूँ। आज शाम कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है। इसका मतलब ये कि भैया भाभी आज भी साथ नहीं हो पाएंगे, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। अब जो है सो है, एक दिन की और एक रात की ही तो बात है, क्यों जेठानी जी। ए, तुम दोनों हमारे आंगने में दांत दिखाना बंद करो और बीनी की पेटी खुलाई की रसम शुरू करो। चतुरी चतुरी। जी बाबू। बीनी के कमरे से सामान लेकर आ। जी जी बाबू। कहते हैं कि पेटी खुलाई की रस्म में सबसे पहला हक ननंदों का होता है। गिधे पूरी, मेरी पेटी खुलाई की रस्म में मेरी सबसे पसंद की माँ की दी हुई साड़ी ले उड़ी थी। अब जिठानी जी का नंबर है। भाभी कुछ कहा आपने? नहीं तो आपका मन हो या ना हो भाई, नेक तो देना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही कह देती हूँ कि मुझे जो पसंद आएगा मैं तो ले लूंगी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना भाभी? वैसे भी आप क्यों बुरा मानोगी, आपकी इकलौती ननंद और सूरज भैया की लाडली बहन जो हूं मैं। हाँ। चतुरी, कत्ती देर और लगेगी। अरे वाह, ये सारी साड़ियां तो कहीं एसी वाली दुकान से लाई दिख रही हैं। भाभी देखिए ना कितनी प्यारी साड़ी है, मैं तो इसी की ड्रेस सिलवाऊंगी। जिठानी जी, ये है हमारी प्यारी नंद। इतनी सारी साड़ियों में इसको वही साड़ी मिली जो सबसे भारी थी और सबसे महंगी थी। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? नहीं, मुझे साड़ियों का शौक नहीं है। साड़ियों का शौक नहीं है? तो फिर किस चीज का शौक है जिठानी जी? जी मुझे किता। ये लो, अल्लाह, ये तो बक्सा भर के किताबें हैं। भाभी ये इतनी सारी बुक्स किस लिए? बीनी ये किताबें थारी है। पापा, पापा की है। अच्छा, पिताजी की याद साथ लाई है।
लगता है आपके पापा काफी पढ़े लिखे थे। बहुत बुरा हुआ थारे साथ बीनड़ी। ब्याह के इतने से दिन पहले ही माँ बाप का खोना, छोरी का ब्याह देख लेते तो आत्मा ने संतुष्ट हुई रहती, पर होनी ने कौन टाल सके। बीनड़ी, कुलदेवी का दर्शन करने जाना है, सामान की तैयारी कर। जा, तू अपनी पेटी बांध ले, आज 4 बजे निकलना है, देर ना कर जे, चल जा। आप अपने कपड़े भी सूटकेस में रख लीजिए। आपने भी शादी से पहले कभी साड़ी बांधी नहीं होगी, इसलिए आपके हाथ से जरा वो आज आपको मायके जाना था ना। समझ सकता हूँ, नई जगह, नए लोग, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुलदेवी की यात्रा से लौटते ही मैं आपको आपके मायके ले चलूंगा। ओ, 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 ओ,
एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का IIM और MBA में टॉप कर चुका है। आज अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसका। बहुत अच्छी फैमिली है। सूरज भैया, आप ही डॉक्टर वाली पोशाक पहन लो ना। मैं जैसा हूँ वैसे ही फोटो खिंचवाऊंगा ना। अब सूरज भैया, ये वाली, ये तो बहुत अच्छी है, पहन लो ना। वाह सूरज भैया, क्या लग रहे हो। ये 3 साल पुरानी है, तब मैं थोड़ा दुबला हुआ करता था। ये सारी किताबें आपकी हैं? जी। आपने अपना नाम नहीं लिखा इन पे। नाम? नाम क्यों? अब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे एक बात और, आप शायद यहाँ पे किसी से कुछ कहते मांगते झिझकेंगे। ऐसे में आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ चाहिए हो, साबुन तेल ब्रश या कुछ भी, तो आप मुझे कह सकते हैं। जी एक बात है जो। जी बोलिए। क्या मैं आपसे कह सकती हूँ? जी बिल्कुल कह सकती हैं आप। सूरज जी, मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है। मैंने ही नहीं, मेरे मम्मी पापा, उनका भी यही सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं। आज मेरे मम्मी पापा तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन उनका ये सपना आज भी मेरे साथ है। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मैं शायद ये सब कभी कह नहीं पाती, लेकिन जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। आप मेरी मदद करेंगे ना, मुझे पढ़ने आगे बढ़ने देंगे ना।
भाबो, भाबो क्या जरूरत थी इतना सारा सामान लेके ऊपर आने की? मुझे आवाज दे दी होती वो तो अच्छा हुआ मैंने थाली चीख सुन ली और दौड़ा चलाया, वरना न जाने क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं हुआ रे छोरे, तू एक काम कर, तू ये सब हमारी साड़ियां बीनी ने दे दे कि अटैची में रखे, और मैं सब ये वहां ले जाने का सामान रसोई में जाकर थैले में भर लेती। जा बाबू, तू ठीक तो है ना? अरे ठीक हूँ रे छोरा, जा। ये भाबो के कपड़े हैं, आपके सूटकेस में रख देता हूं, याद रखिएगा भाबो के कपड़े ऊपर हैं और आपके आपके नीचे डाल दिए, भाबो को निकालने में तकलीफ होगी ना? जी। माफ कीजिए, वो भाबो की आवाज सुन के मैं बाहर चला गया था। आप कुछ कहना चाहते थे ना? वो सूरज भैया, शायद आपको कोई नीचे बुला रहा है, मैं बाद में बताती हूँ। अरे वो छोटू है, लगता कोई जरूरी काम होगा। मैं जरा जाके आता हूं। कितनी अजीब बात है, इतनी सारी किताबें और एक भी पेन नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।